अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीदें करे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो से आप सब बहन भाई में जुड़े रहने और जो हमारे चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आज किचन का काम शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आज शाम तक किचन का काम ख़त्म हो जाए। तो रात ही हमने खाना बाहर से मंगवाया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी क्योंकि वहाँ पर सारा पानी था और कचरा था, तो इस वजह से हमने खाना बाहर से मंगवा दिया था। तो अभी सुबह सुबह मिस्त्रियों के आने से पहले ही मैंने रोटी बना ली है। तो अभी मिस्त्री भी आए हुए हैं, साथ में कुछ और मिस्त्री भी आए हुए हैं, काफ़ी सारे मिस्त्री आए हुए हैं क्योंकि काफ़ी सारा आज काम था। तो वो भी आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या काम हो रहा है। साथ में आज हम मीठे आम का सरंग भी बना रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। वो अभी वो स्पेशल है, वो काट के रखे हैं। तो अभी मासी आई हुई है, वो बनाएगी। मैंने कभी ज़्यादा बनाए नहीं है, मेरी सगी मासी बना रही है, वो भी चल के दिखाएंगे। जी तो माशाल्लाह आज मौसम ये देखें, खाल पे पानी आया हुआ है और सब्जियों को पानी नहीं लगा है। इंशाल्लाह कल तक लगाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर, क्या कुछ काम हुआ है वो भी इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। तो जी, आज हम बना रहे हैं मीठा सालन। तो इस तरह से हम काटेंगे, ये कुछ इसमें से पक्के भी हैं, ये देखें। आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि आपने मुकम्मल रेसिपी को देखना है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल रेसिपी दिखाएंगे, कोई स्टेप मिस ना करें। तो ये कच्ची इमलियाँ हमने कल अम्मी जान ने तोड़ी हैं, तो ये पता नहीं है कि वो खाती हैं या नहीं खाती, बस उनका एक शौक था कि मैं बनाऊंगी। अब पक जाएंगी, हाँ ये पक जाएंगी ना, अब मौसम ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये मासी ने, जो मेरी मासी हैं सगी, उन्होंने ये जो है ना काटी हैं। ना खाओ प्लीज़, पहले आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। परसों वाले दिन आपने थोड़ी सी इमली चखी ना, जिस दिन उस दिन जो है ना आपकी तबीयत ख़राब होगी। ना खाओ, बस निकाल लो इनको। इनको धोना भी पड़ता है? अच्छा, तो किचन का काम भी हो रहा है, लेकिन साथ में आज हमने खीर छटवा ली। अभी देर है, अभी शुरू हुआ है बहुत। तो मट्टी यहाँ पे, ये मुकम्मल प्लास्टर तकरीबन फाइनल हो चुका है वॉशरूम का। तो आज आगे जो है वो किचन का काम शुरू है। और ये भी तकरीबन 35 से 40 फीट नीचे यहाँ पे खुई बना रहे हैं और मट्टी बाहर की तरफ डाल रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे दरमियान में ये जो जगह है ना, ये वाली जगह थोड़ी मतलब फ्रीक थी, तो इस साइड पे अगर हम कमरा बनाएंगे या जो है ना अपना बरामदा बनाएंगे, तो ये हमें मुनासिब जगह लगी है क्योंकि यहाँ पे पाइप यहाँ से लगेंगे, अंदर से पाइप इधर आएंगे, एक पाइप बाहर जाएगा जो कि हम पानी दूसरी साइड पे करेंगे। क्या ख्याल है ना जी? और साथ साथ जो है ना चाचू जान आए हुए हैं, इनके लिए खाने का इंतज़ाम भी करना है। इसके अलावा जो है ना आज रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप बहन भाइयों को काम दिखाना चाह रहे थे। तो साबरा बोल ही नहीं रही आज, पता नहीं खैर है, गर्मी लगी हुई है जनाब को, तबीयत जनाब की बहुत ख़राब है। जब तक ये किचन सेट नहीं होता, सामान बिखरा हुआ जब देखती है, मुझे कहती है यहाँ से सफाई करनी है, यहाँ से सफाई करनी है। मैंने कहा एक ही दफ़ा सफाई होगी, बार बार सफाई नहीं कर सकते हम, और भी ज़्यादा परेशानी बन जाती है। वो बात आपकी सही है, आप एक दिन में इधर उधर खाना बना लेंगे तो कुछ नहीं होता, परेशान ना हो आप, इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। आप फ़िलहाल अपने बहन भाइयों से रेसिपी शेयर करते हैं। तो खालिद भाई को आज जो है ना मैंने कहा है कि आप अपना कुप्पा भी ले जाएं और ये दो कुप्पे भी, ये बताओ भर के आ जाओगे? तीन कुप्पे तो आपने ले लिए हैं, पहले भी ले जाता, तीन भराओगे? तीन पूरे, ये देखें जी, एक दो तीन, मैं तो कहता हूँ दो लेके जाओ, परेशान हो जाओगे। आ जाएगा तो इधर आ जाएंगे, एक ऊपर आ जाएगा। अच्छा चलें भैया, आपकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं।
ये देखो जी, सालन जो है नहीं पका सके हम, आई एम सो सॉरी, उसकी वजह थी गर्मी। तो साबरा कहती है मैं शाम को बनाऊंगी। हाँ। शाम को बनाओगी? बाहर किचन में वो बनेगा ना, टाइम लगेगा। मतलब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है ना आपने? अच्छा, तो मैं गया था जल्ले मिस्त्रियों और वो जो खुई वाले हैं उनके लिए खाना लेने के लिए, तो साबरा ने कहा कि आप मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए, जरा सुकून से इनको बनाना है वरना ये खराब हो जाएंगे। साबरा और इंतहा की बाहर धूप है, मैं आपको दिखाता हूँ ये साबरा गोलगप्पे बना ले। गर्मी है इस वक्त शिद्दत की, तो तकरीबन हमारे पास इस वक्त 40 नहीं बल्कि 46 सेंटीग्रेड गर्मी है, 46 सेंटीग्रेड। तो सूरज बिल्कुल ऊपर है, ये देखिए बिल्कुल ऊपर सामने, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जो काम करने वाले हैं वो भी बेचारे, ये देखें कुछ बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा मैंने फोर्स नहीं किया, मैंने कहा आप आराम आराम से काम करते रहें। तो आपने अपने बाल नहीं कवर किए हुए? हाँ, क्या है? अच्छा, बहुत गर्मी है साबरा, बहुत ज्यादा। तो जी ये देखें बच्चों वाले तरीके से बना रही है, जब किसी चीज का पता ना हो ना तो ऐसे ही होता है। और क्या, तो साबरा भी फ्रेश हुई है, नींद करके फ्रेश हुई है। अच्छा, मेरे सोने का टाइम होता है साबरा दोपहर को, गर्मी के टाइम उठ जाती है, फिर पूरा दिन ड्रामे देखती है। मुझे ये बताओ, मुझे वही समझ नहीं आती। देख ले, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ। अब साबरा उठ गई है, ये पूरा दिन जागेगी, टिकटॉक देखेगी और ड्रामा देखेगी। मजे है आपके, और क्या कह सकते हो। क्या चीज? तो जी साबरा अब दही, वो जो मिक्स दही होती है वो डाल रही है, कहती है मैं गुजारा कर लूंगी, आप इधर ही बनाऊंगी खुद। मेरा बहुत दिल कर रहा है, मेरा खुद का बड़ा दिल कर रहा है। जी हाँ, आप खाएं जनाब। मुझे दोपहर का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, सालन और टिकटॉक देखने का टाइम हो चुका है और ड्रामा देखने का टाइम हो चुका है। ये देखें, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, ये हैंड फ्री है, ये टाइम भी देख लें, 1:14 हो चुके हैं। अब मैंने सोना है ना, आप इधर आ जाओ बेड पे, मैं चारपाई पे सोऊंगा बस। अपनी चारपाई ले आओ, अपनी छपनी यहाँ पे नहीं आती इस कमरे में, मैं उधर बेड पे नहीं सो सकती। अच्छा, वीडियो भी यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि शाम को जो है ना मैं भी लाल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि अभी देर में बहुत ज्यादा उठ चुकी ना, कुछ सालन बना सकते हैं, बाहर बहुत ज्यादा धूप है, तो आज लगता है किचन भी सेट हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर काम भी आसानी से मेरा हो जाएगा, अभी तो बहुत मुश्किल हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जल्दी से जल्दी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।